आईआरसीटीसी पर टिकट बुकिंग सेवा बहाल कर दी गई है। तकनीकी खराबी के चलते आज सुबह से ही लोगों को आईआरसीटीसी के ऐप और वेबसाइट से टिकट बुक करने में दिक्कतें आ रही थी। हालांकि अब वेबसाइट को ठीक कर लिया गया है और बुकिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश के कटनी से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए घूसखोर पटवारी ने रिश्वत की रकम को निगल लिया। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद पटवारी ने अधिकारियों के सामने ही रिश्वत की रकम मुंह में डालकर चबानी शुरू कर दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। साल 2012 में 23 साल की गीतिका ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। श्रीनगर के डल झील में एक हाउसबोट में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग हाउसबोट के पीछे एक पैंट्री में लगी, जिसके बाद हाउसबोट भी उसकी चपेट में आ गई। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मोहब्बत की कस्में खाने वाले, मोहब्बत के लिए जान देने की बात करने वाले सीमा और सचिन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जी न्यूज की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ कि सचिन और सीमा की अक्सर लड़ाई होती रहती है। दरअसल सचिन ग्रेटर नोएडा में एक किराने की दुकान पर काम करता था और सीमा के साथ किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। लेकिन ये दोनों जिस कमरे में रहते थे उसके मकान मालिक गिरिजेश की माने तो इनके बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। कितने दिन सीमा और सचिन आपके यहाँ रहे थे और व्यवहार क्या था? क्या कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ क्या इनके बीच में? हाँ, 1.5 महीने करीब रुके थे हमारे यहाँ पे। ये व्यवहार तो दोनों में ठीक था, लेकिन लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। 2 बार के करीब इनमें झगड़ा हुआ था। प्रेमी प्रेमिका या फिर पति पत्नी के बीच झगड़े होने तो आम बात है, लेकिन जिस वजह से सीमा और सचिन के बीच लड़ाइयां होती थी वो चौंकाने वाला है। एक बार और झगड़ा हुआ था दोनों में, तो मुझे जब मैंने लड़के से पूछा, सचिन बुलाया मैंने अपने पास शाम को, तो उसने बताया मुझे कि ना, मैंने भाई साहब इससे मैंने कई बार मना करा कि बीड़ी मत पिया कर, पर मानती ना। सचिन ने खुद मुझसे कहा था ये बात। सचिन के पूर्व मकान मालिक की माने तो सीमा को बीड़ी पीने की आदत थी, जिसकी वजह से सचिन के साथ उसकी अक्सर लड़ाई होती थी। सचिन के पूर्व मकान मालिक गिरिजेश जी की माने तो जब सचिन किराने की दुकान पर काम करने के लिए जाया करता था तो मौका पाकर सीमा बीड़ी पीने लग जाती थी। लेकिन बकौल गिरिजेश एक दिन सचिन तय वक्त से पहले ही घर आ गया। उसने सीमा को बीड़ी पीते हुए देखा, जिसके बाद दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई। यहाँ तक कि सचिन ने सीमा की पिटाई भी की। ये दोपहर में आता है तो सीमा बीड़ी पी रही थी, इसने देख लिया उसे बीड़ी पीते हुए और इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ। इसने मारा सचिन ने उसको और बस। यही नहीं, सचिन मीणा के पूर्व मकान मालिक गिरिजेश ने जी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत में यह भी बताया कि सीमा अक्सर काम के दौरान सचिन को बार बार फोन करती थी, सचिन इससे चिढ़ जाता था और दोनों के बीच लड़ाई होती थी। मुझे बताया, घर से पता चला था मुझे कि ये जो लड़की थी सीमा, वो उसके पास सचिन के पास फोन बहुत ज्यादा करती थी। सचिन नौकरी करता था बाजार में, तो वो बार बार की उसे फ़ोन करके परेशान करती थी। वो बाद में आता है दिन में और उसका फ़ोन भी तोड़ देता है। इतने में जब दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूँ तो इतनी बार फ़ोन करना ज़रूरी है क्या? तो सवाल उठता है कि क्या सचिन और सीमा का प्यार सिर्फ एक दिखावा भर है? क्या ये रिश्ता एक मजबूरी है जिसे दोनों को निभाना पड़ रहा है? सीमा हैदर के मुताबिक वो सचिन के प्यार में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान से भारत चली आई। सीमा कहती है कि वो मर जाएगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी, जबकि सीमा के घर वाले उसके इस कदम से बेहद नाराज हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने सीमा की कथित बहन रीमा से बात की, जिसने कहा कि अगर सीमा पाकिस्तान वापस आ जाती है तो परिवार उसे नहीं अपनाएगा। तो अब दोबारा अगर सीमा दोबारा वापस आती है, माफी मांगती है आके, तो क्या उसको आप और आपके वालदैन माफ कर देंगे? नहीं। क्यों? हिंदू हो गई है ना, उसने मांग बाहर ली है ना। अच्छा। उसने मांग बाहर ली है ना। सीमा हैदर की कथित बहन रीमा ने बताया कि उसकी बहन सारा दिन पबजी खेलती रहती थी। यही नहीं, उसे अपने बच्चों तक की कोई फिक्र नहीं थी। सारा दिन पबजी गेम खेलती रहती थी। हाँ जी। हाँ जी। कभी अम्मी अबू ने रोकिया नहीं है? शादी शुदा है बच्चे ने तेरे? बड़ा पापा मामा ने रोकिया नहीं हटे। अच्छा, जिस टाइम उधर ना गल्ला करती थी आशिक नाल करती होनी सी? हर टाइम आशिक नाल गल्ला करती होनी? हाँ जी। अच्छा, चार बच्चे ने? शर्म आई कि अपना दिन मदम छोड़े। रीमा की माने तो उसकी बहन सीमा हैदर कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी और ना ही किसी को पता लगा कि वो भारत जाने की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ सीमा के भारत जाने के बाद से उसके घर वालों का बुरा हाल है। सीमा के परिवार वाले शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। सीमा की माँ और भाई बहन पड़ोसियों से बात करने से भी कतराते हैं।
सीमा हैदर के पड़ोसी ने दावा किया कि उसके मायके में चूल्हा तक नहीं जल रहा। सीमा के मायके वाले गमजदा हैं। जो फैमिली है ना वो काफी परेशान है। आप जाके देखें उनके घर में बिल्कुल मातम सा लगा हुआ है। वो रोई जा रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। तो वो रो रहे हैं अपने घर में, ना खाना पका रहे हैं, ना कोई चीज, ना बाहर निकल रहे हैं। वो काफी परेशान है। सीमा हैदर के पड़ोसियों ने बताया कि उसने घर से भागकर गुलाम हैदर से शादी की थी, लेकिन 2020 में अचानक सीमा को सचिन से प्यार हो गया और वो उससे मिलने नेपाल भी गई। अब सीमा नेपाल जाता है सचिन से मिलने के लिए। वो वहाँ पे 7-8 दिन रहता है सचिन के साथ। जब वापस आता है तो फिर भी जो है ना थोड़ा बहुत यहाँ पे हंगामा होता है। यहाँ पे हमारे ये 2020 में जब गई थी, हाँ 2020 में, तो थोड़ा बहुत हंगामा यहाँ पे हुआ था। कुछ वीडियो तस्वीरें वगैरह जो है हैदर को मिली थी, लेकिन हैदर ने फिर कोई उस बात पे एक्शन नहीं लिया। वो फिर सऊदीया चला गया। सीमा हैदर के पड़ोसी ने बताया कि साल 2020 में वो अपने पति गुलाम हैदर के साथ कराची शिफ्ट हो गई थी। हैदर सऊदी में रह रहा था जबकि सीमा अपने बच्चों के साथ कराची में रहती थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन पबजी की वजह से रिश्ते बिगड़ गए। दिल्ली NCR समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि मॉनसून के मौसम में जगह जगह गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वायरस और बैक्टीरिया के पनपने और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और ऐसे ही वायरस और बैक्टीरिया की चपेट में आने से लोगों को आई फ्लू हो जाता है। आई फ्लू होने पर मरीज की आंखें लाल या गुलाबी हो जाती हैं, इसलिए इस बीमारी को पिंक आई भी कहा जाता है। साथ ही आंखों में सूजन, दर्द और चुभन भी होती है और लगातार आंखों से पानी गिरता रहता है। डॉक्टर्स का कहना है कि कंजक्टिवाइटिस के मरीजों को अपनी आंखें बार बार नहीं रगड़नी चाहिए। इसकी बजाय वो बर्फ की थैली से सिकाई कर सकते हैं या आंखों में पानी के छींटे मार सकते हैं। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलती है, इसलिए मरीज को अपना सामान दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आई फ्लू से पीड़ित है तो उसको तो धूप, धूल और धुएं से बचना चाहिए। मरीज को भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से भी बचना चाहिए और अगर कहीं जा भी रहे हैं तो आंखों पर काला चश्मा लगाकर ही बाहर निकले। दिक्कत ज्यादा हो तो डॉक्टर को दिखाएं और उसकी सलाह पर ही कोई आई ड्रॉप इस्तेमाल करें। दिल्ली में बीजेपी ने आज मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में बने बाढ़ के हालातों और बाढ़ से निपटने में नाकामी को लेकर दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। हालातों को बेकाबू होता देख पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली के रोहिणी में सड़क धंसने से बाइक सवार युवक बाइक के साथ गड्ढे में गिर गया। युवक को इलाज के लिए भेजने के बाद बाइक को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। गुरुग्राम में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने एक लड़की के घर में आग लगा दी। युवक की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। दरअसल बरेली शाहजहांपुर पैसेंजर ट्रेन के इंजन को बोगियों से जोड़ा ही जा रहा था कि इंजन पटरी से उतर गया। गनीमत रही कि यह हादसा यात्रा के दौरान नहीं हुआ, वरना भारी नुकसान हो सकता था। केंद्र सरकार ने जिस मॉनसून सत्र में 31 बिल लाने की तैयारी की, उसके शुरुआती 3 दिन जब विपक्ष के हंगामे की वजह से बर्बाद हो गए, तो बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के रवैये पर कड़ा रुख दिखाया और रवैये पर वो विफर भी पड़े। गुड मॉर्निंग सर। जिसका अंदाजा उसी वक्त हो गया जब बैठक के लिए पहुंचे पीएम बेहद गंभीर नजर आए। बैठक शुरू होने से पहले पीएम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कुछ बातचीत करते दिखे और इसके बाद मंच पर उन्हें बुलाया जाता। उससे पहले पत्रकारों को विनम्रता से बाहर जाने को कह दिया गया। मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। अब सामने बीजेपी के सांसद थे और मंच पर प्रधानमंत्री मोदी। संसद के मौजूदा सत्र में विपक्ष के रवैये से खिन्न प्रधानमंत्री ने यूपीए की जगह विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर चोट किया और कहा कि विपक्ष को मुगालता है कि वो नाम बदलकर जनता को झांसा दे देगा। लेकिन जनता सब जानती है विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रख लेने से लोगों की नजर में उसकी छवि नहीं बदलेगी। आतंकवादी संगठनों इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलावा भारत को गुलाम बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया के नामों में भी इंडिया शब्द जुड़ा है। पीएम ने सवाली अंदाज में कहा कि इसका मतलब क्या, ये सभी भारत का भला सोचने वाले थे। Z News.